गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग डॉक्टर्स। सो वी विल स्टार्टिंग द सेशन ऑफ नीट PYQ सीरीज। फाइन, होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो किरचॉफ्स रूल पर है। अभी जो ऑब्जेक्टिव बिट्स हम लोग देखेंगे ऑल आर बेस्ड ऑन किरचॉफ्स रूल, राइट। किरचॉफ्स रूल पर जो फर्स्ट बिट है वो ये है, ऑब्जेक्टिव पर नीट पर पहला क्वेश्चन है। मैंने क्लास में ये क्वेश्चन आपको बताया है, इस पर लिखा हुआ था किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो एट ए जंक्शन एट ए जंक्शन डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ। ऑप्शन ए था मोमेंटम, ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी चार्ज, ऑप्शन डी एनर्जी। अभी जस्ट क्लास स्टार्ट किए स्टूडेंट्स, जस्ट अभी स्टार्ट किया है, राइट। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अगर आपसे कोई पूछता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम किरचॉफ धारा का नियम है, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। और ये क्या बताता है, सिग्मा आई बराबर जीरो, किसी नोड पर, जंक्शन पर, संधि पर सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, या आने वाली धाराओं का कुल योग बराबर बाहर जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। यह नियम जंक्शन या संधि पर किस संरक्षण से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था, दिस रूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षित रहता है, आवेश की गति बदल सकते हैं, जिसके बेस पर करंट की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन हमारे पास जितना आवेश इन होता है उतना ही आवेश आउट होता है। तो किसी सर्किट पर क्या संरक्षित रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि केसीएल किस पर बेस्ड है, तो आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन पर। अगर आपसे बोला जाए कि केसीएल किस पर बेस्ड है, इसके सॉल्यूशन पर आप बोल सकते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं के सी एल, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसी को कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और ये किस पर बेस्ड है स्टूडेंट्स, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। किस पर बेस्ड है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसी को आप कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इस पर बेस्ड है ये। तो मुझे लगता है नीट का ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है। पुराने सेगमेंट के पेपर्स अगर आप देखेंगे तो 1997 और 1992 दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट।
किरचाफ्स करंट लॉ किस पर बेस्ड होता है? तो किरचाफ का प्रथम नियम, किरचाफ धारा का नियम है, जो कि जंक्शन या संधि पर किस पर बेस्ड होता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। अगर कोई इश्यू हो तो बताएं, क्या अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ सकते हैं? फाइन, डॉक्टर अमित, आई होप सभी लोगों को मेरी बात क्लियर है। फाइन, अगले क्वेश्चन पर आपसे बोला गया, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड बिट पर। और अब मैं जब जिस सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये नीट 2006 में आया था। इसमें बोला गया किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉज, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ किरचाफ का प्रथम और द्वितीय नियम क्या बताता है? राइट, किरचाफ का प्रथम, सॉरी, किरचाफ का पहला और द्वितीय नियम किस पर आधारित है? तो अगर किरचाफ का प्रथम और द्वितीय नियम पूछा जाए किस पर आधारित है, तो इसकी बात करते हैं हम लोग। फाइन, आगे मूव कर सकते हैं। यस, ऑप्शन थे, इस पर ऑप्शन ए था, कंजर्वेशन मीन संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा एंड इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रिक चार्ज रिस्पेक्टिवली। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखते जाएं आप लोग, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। एक सेकेंड, सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन डी था, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो
ये क्वेश्चन एक बार आप लोग राइट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं एक बार। किरचाफ का प्रथम और किरचाफ का द्वितीय नियम इलेक्ट्रिक विद्युत परिपथ में किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत और आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, अगला है केवल ऊर्जा संरक्षण, अगला है आवेश संरक्षण और फिर ऊर्जा संरक्षण, फिर केवल आवेश संरक्षण। तो आपको पता है किरचाफ के दो नियम थे, राइट। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो आपको स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तो ये बात सभी को क्लियर है, किरचाफ के दो रूल थे। देखिए अगर मैं किरचाफ के रूल्स की बात करूं तो मेरे पास किरचाफ के दो नियम थे। किरचाफ के दो नियमों पर एक केसीएल था जिसे किरचाफ का प्रथम नियम कहते हैं, किरचाफ फर्स्ट लॉ, और यह निर्भर करता था आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और अगर दूसरे रूल पर चले तो यह रूल था केवीएल, किरचाफ का द्वितीय नियम, और यह बेस था, इसे कहते हैं किरचाफ का द्वितीय नियम, किरचाफ सेकेंड लॉ, और यह निर्भर करता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका मतलब है ऊर्जा संरक्षित होती है, जितनी एनर्जी इनपुट पर होगी उतनी टोटल सर्किट पर बनेगी। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जितना वोल्टेज इनपुट पर एनर्जी बनाएगा, राइट, उतना ही लोड पर ट्रांसफर होगा, राइट। डॉक्टर सचिन, क्लियर स्टेटमेंट? ये दोनों मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आंसर कौन सा सही है? हाँ देखिए स्टूडेंट्स, रिप्लाई करिए आप लोग। किरचाफ पहला नियम कौन सा होता है? केसीएल, और केसीएल का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए डॉक्टर स्नेहा, उसके बाद सेकेंड लॉ होता है केवीएल, फिर एनर्जी आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए या सी? डॉक्टर रत्नेश, प्रियांशी करेक्ट? करेक्ट ओनली। देखिए केसीएल होता है प्रथम नियम, तो यह किस पर निर्भर कर, राइट राइट, सभी का सही है। डॉक्टर सचिन, डॉक्टर रत्नेश, स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा, सभी का सही है। केसीएल किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश पर। और केवीएल किस पर बेस्ड है? ऊर्जा संरक्षण पर। फाइन, राइट। लावा LZX408 अपने नाम के साथ आए, राइट। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? केसीएल पहला नियम होता है किरचाफ का, केवीएल दूसरा नियम, पहला नियम आवेश संरक्षण, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। फाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है 2009 में। ये नीट 2009 का क्वेश्चन है, एक मिनट। डॉक्टर सचिन पहला क्वेश्चन छूट गया है, फोटो खींच लीजिए, ये था।
यही क्वेश्चन था सेम, उसमें पूछा गया था किरचॉफ का प्रथम नियम जंक्शन पर किस संरक्षण पर बेस्ड होता है। तो मोमेंटम का मतलब संवेग होता है, गलत है। एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, गलत है। आवेश संरक्षण सही है। अगर केवीएल होता तो एनर्जी पर बेस्ड होता। इसका आंसर था सी फॉर चेन्नई। डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन सेकंड इस भी सेम था। अब चलते हैं थर्ड पर, यह भी सेम है। इसने पूछा है निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ मतलब केसीएल, जंक्शन मतलब संधि, फॉलो फ्रॉम पालन करता है, फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किरचॉफ का संधि का नियम पालन करता है। किरचॉफ का संधि का नियम पालन करता है किसका? आवेश संरक्षण का। सही है कथन, बिल्कुल सही है। अब बी पर चलते हैं। बी कहा गया किरचॉफ का लूप का नियम। लूप मतलब किरचॉफ कहाँ लगाते हैं लूप? केवीएल, वोल्टेज का नियम। तो बोला गया किरचॉफ लूप ला, मतलब किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ्स लूप लॉ, LAW। किरचॉफ का लूप का नियम मतलब केवीएल, वोल्टेज का नियम। फॉलो फ्रॉम, फॉलो मीन्स पालन करना, फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब पूछा गया इसमें चार स्टेटमेंट हैं। बोला गया एक मिनट, पहले बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही है बताना है। ऑप्शन ए बोला गया स्टूडेंट्स, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी बोला गया ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग। ए सही है, बी गलत है। अगला बोला गया ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग एंड बी इज करेक्ट। ए गलत है जबकि बी सही है। अगला बोला गया बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी दोनों सही हैं। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों सही हैं। ये नीट 2010 का क्वेश्चन है, 2010 में आया था।
सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं इस पर। एक बार लिख लीजिए। और अपने हिसाब से ऑप्शन आप बता सकते हैं। कुछ लोगों ने डी रिप्लाई किया है, और कोई आंसर? कई लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ओके, ठीक है। डॉक्टर प्रसून, क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, चलिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सही है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किरचाफ का जंक्शन का नियम पालन करता है किसका? आवेश संरक्षण का। सही है। किरचाफ लूप नियम मतलब किरचाफ वोल्टेज का नियम, केवीएल बंद परिपथ में। तो बंद परिपथ में सभी वोल्टेजेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है, दैट इज केवीएल। केवीएल किसको फॉलो करता है? ऊर्जा संरक्षण। तो क्या ये दोनों कथन सत्य हैं? यस। इसका मतलब ए और बी दोनों ही सही हैं। आप समझ सकते हैं आंसर होना चाहिए, आज बारिश की संभावना लग रही है, डी फॉर दिल्ली, राइट? ऑप्शन डी इज परफेक्ट। और वैसे भी डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं, तो उनका रिगार्ड करते हुए ऑप्शन डी को टिक कर दिया गया है, राइट? हाँ, एक्सप्लेनेशन पर ये बोल सकते हैं आप, हालांकि ऐसा ही कोई डाउट बनता नहीं है। मान लो ये डाउट दिमाग में आता है तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मैं ये बोल रहा हूं, जैसे इधर देखो, केसीएल कहां लगता है? जंक्शन पर, संधि पर। और ये किस पर बेस्ड है? आवेश संरक्षण। और केवीएल कहां लगता है? लूप में। लूप मतलब बंद परिपथ। और यहां क्या होता है? ऊर्जा संरक्षित होती है। तो क्या इसमें आवेश संरक्षित होता है, इसमें ऊर्जा संरक्षण? और दोनों ही बातें यहां बोली गई हैं। बोला गया है किरचाफ जंक्शन का नियम फॉलो करता है आवेश संरक्षण। सही बात है। किरचाफ लूप मतलब केवीएल क्या फॉलो करता है? ऊर्जा संरक्षण। दोनों ही कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब इसमें केवीएल लगाना था, राइट? या पहले एक छोटा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? तीसरा था शायद, ये चौथे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिखिए। द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन फिगर इज, राइट? देखो, बिंदु ए और बी के मध्य, बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये।
नीट 2016, राइट? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अभी एक बार देख के कर लेते हैं तुरंत। इसमें बोला गया था आपसे, एक नोड है, उस नोड का वोल्टेज है VA, और यहां पर एक धारा बह रही है, इस धारा का मान 2 एम्पियर लिखा हुआ है। इसके बाद यहां एक रेजिस्टेंस है जो कि 2 ओम का है, उसके बाद एक बैटरी लगी है जिसमें पहला चिन्ह प्लस है, दूसरा माइनस है। बैटरी पर वोल्टेज का मान लिखा हुआ है 3 वोल्ट, फिर इसके बाद 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर इस नोड का वोल्टेज है VB। अब आपके पास 4 ऑप्शंस है महोदय, डॉक्टर साहब, 4 ऑप्शंस में ऑप्शन ए है -3, ऑप्शन बी है +3, ऑप्शन सी दिया गया है +6 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया गया है +9 वोल्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर पूछा गया है। देखिए अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है इस पूरी क्लास में ये बात सबको क्रिस्टल क्लियर है कि अगर मैं यहां करंट लिखना चाहता हूं तो करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट का मतलब होगा, ध्यान दीजिए, इस नोड VA से चल रहे हैं, और प्रियांशी करेक्ट, डॉक्टर सचिन करेक्ट, HP करेक्ट, राइट? VA से चल रहे हैं और कहां पहुंच रहे हैं, VB, और इसके बीच में एक बैटरी और है 3 वोल्ट की। इस नोड से चलते हुए जो भी वोल्टेज के अंतर मिल रहे हैं घटाते जाइए, तो आप जानते हैं, सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं, धारा I बराबर विभवांतर विभव में अंतर बटे प्रतिरोध लिखा जा सकता है ओम के नियम से, और विभवांतर को ही टेक्निकली कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और आर को कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है? यस करेक्ट डॉक्टर प्रसून, करेक्ट। देखो अब मैं अगर आई का मान लिखूं तो एग्जामिनर ने मेंशन किया है कि I2 है, राइट? तो आप स्टार्ट करते हैं आई की वैल्यू लिखना। कहां से चल रहे हैं आप? VA से। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? VA माइनस, देखो यहां से चलते हुए आपको सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स मिला जिसका पहला चिन्ह प्लस है, तो आप इसको घटा देंगे VA -3, क्योंकि अंतर करते हैं। अगला नोड वोल्टेज VB है, अगला नोड वोल्टेज VB है, इसको भी घटा दीजिए, तो -VB बटे, अगर देखा जाए महोदय तो प्रतिरोध दो दो लगे हैं, कौन कौन से? 2 ओम और 1 ओम। क्या दोनों को ही जोड़ देना चाहिए? क्योंकि जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी। फाइन, तो डिवाइड बाई 2 + 1 का मतलब 3, तो हम लिख सकते हैं 2 + 1। आई का मान क्वेश्चन में 2 दिया था और VA, एक मिनट, 2 बराबर लिख सकते हैं VA -3 -VB डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6 बराबर VA -3 -VB। अब आप जानते हैं क्या ये -3 इधर जा सकता है? यस, तो हम लिख सकते हैं इसको VA -VB बराबर 6 और 3,
मिलकर 9 वोल्ट। सभी का सही था, वेरी गुड, करेक्ट ओनली। डॉक्टर रत्नेश क्लियर है? फाइन। डॉक्टर सचिन, ये क्या नाम है इस मैम डल, ये नाम कुछ अलग है, मैं पढ़ कुछ अलग रहा हूं। मुझे लगता है क्वेश्चन सभी को क्लियर है। फाइन, बोलो कोई इशू हो इसमें, इस लास्ट बिट में किसी को कोई इशू तो नहीं? अरे तो रीनेम कर दो, स्टूडेंट नाम गलत हो गया है तो रीनेम का ऑप्शन होगा। फाइन, चलिए। इसका मतलब अगर मैं इस करंट को राइट करना चाहता हूं तो ये करंट राइट करते समय क्या होगी स्टूडेंट्स? दिस करंट शुड बी व्हाट? वोल्टेजेस का अंतर। और चल किस नोड से रहे हो आप? वीए से। तो वीए से बाकी जो भी दिख रहे हैं उनको घटा दीजिए, और चलते हुए पहला साइन प्लस था, प्लस था तो माइनस कर दिया, बटे रेजिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। होप ये बहुत आसान बात है। प्रदीप नाम है, ओके। फाइन, आगे मूव करें? ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। एक अगला क्वेश्चन है, आई थिंक ये फोर्थ क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन फोर्थ, और अब इस पर हमें टर्म्स को देखना है। इस पर एक सर्किट दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है? एक सर्किट आपको दिया गया है और उस सर्किट पर आपको एनालिसिस करनी है। चलिए, ये लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके, सॉरी माय मिस्टेक, स्टूडेंट्स आर सेइंग दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइन, अब आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट दिए गए विद्युत परिपथ में, सी द इलेक्ट्रिकल सर्किट दिए गए विद्युत परिपथ में शोन इन द फिगर। दिए गए विद्युत परिपथ में कौन सा समीकरण सही है? कौन सा समीकरण सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज ए करेक्ट इक्वेशन? कौन सा समीकरण सही है? बहुत सिंपल सर्किट है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? एक सर्किट दिया गया है, मैं इसको बना देता हूं पहले। फाइन, देखिए सर्किट इस तरह से दिया गया था, ऊपर एक कैपिटल आर लगा हुआ है, और इसके बाद नीचे एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, और एक रेजिस्टेंस है इंटरनल उसका जो R1 दिखाया गया है सीरीज में। इसके बाद फर्दर एक रेजिस्टेंस लगा है R2, और
इसके सीरीज में उसका ईएमएफ है सेल का ई टू, दिस इज ई टू, इस पर एक करंट लिखी हुई है इस डायरेक्शन में आई टू, पहली इस ई वन वाली ब्रांच पे लिखा हुआ है आई वन, और आपके पास फोर ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स। मैं चारों ऑप्शंस लिख देता हूं, ये फिगर दिया गया है, और इस फिगर के साइड में मैं चारों ऑप्शंस लिख देता हूं। ऑप्शन ए लिखा गया है ई टू, वॉइस कम आ रही है क्या स्टूडेंट्स? डॉक्टर विकास, डॉक्टर अमित, वॉइस कम आ रही है क्या? डॉक्टर अमित अनम्यूट करके बोलो। नो सर, हेलो। वॉइस का कुछ इश्यू आ रहा है क्या? नो सर, सही है। यस वॉइस सही है, ठीक yes. है, ओके, थैंक यू, फाइन। वॉइस ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है आपकी डिवाइस में कुछ वॉइस करेक्ट कर लें, ओके फाइन। चलिए, अब इसमें ऑप्शन ए था, ओके ओके, देखिए ऑप्शन ए है ई टू माइनस आई टू आर टू माइनस ई वन माइनस आई वन आर वन, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। ऑप्शन बी बोला गया है माइनस का ई टू माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर प्लस आई टू आर टू इक्वल टू जीरो। ऑप्शन सी बोला गया है ई वन माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर प्लस आई वन आर वन शुड बी इक्वल टू जीरो। अगला बोला गया है ऑप्शन डी ई वन माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर माइनस आई वन आर वन इक्वल टू जीरो। एक बार हम लोग चेक करेंगे, पहले आप लोग लिख लीजिए इसको। शायद सभी ने लिख लिया है क्वेश्चन, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर विजिबिलिटी का इशू आ रहा है। रत्नेश, केवीएल लगाना है आपको? डॉक्टर अमित, रूम पार्टनर आपके क्लास में गोल रहते हैं, लावा Z3 यूपी, अपने नेम के साथ आइए, रीनेम करिए अपना नाम। ऐसा लग रहा है कोई दबंग जिला है, नहीं Z3 यूपी, ये कौन सा जिला है? राइट फाइन, सचिन कुमार, काजल, ज्योति, आयुष, प्रेम, प्रियांशी, डॉक्टर स्नेहा, अजय, हरे कृष्ण, दीपांशी, कीर्तन। कैमरे ऑन रखो सभी लोग। जिनका डाटा खत्म हो रहा है उनका डाटा के पैसे मुझसे ले लेना। हाँ, डाटा खत्म हो रहा है, देखो फाइन। चलिए, होप ये बात यहां तक क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स,
अमित ऑप्शन बी। चलो देखते हैं ना, लुक इधर देखो, यहां से एक करंट आई टू बताई गई है, यहां से एक करंट आई वन बताई गई है, तो क्या ये आई टू करंट और ये आई वन करंट यहां से मिलकर इस ब्रांच पर करंट जाएगी? तो मैं कह सकता हूं यहां टोटल कितनी करंट जा रही होगी, बोलो क्या यहां आई वन प्लस आई टू जा रहा होगा या नहीं? फाइन, आयुष, डॉक्टर आयुष अनम्यूट करो अपने आप को, जरा ऐसे नहीं मानोगे, बोल नहीं रहे हो, अनम्यूट करो, बोलो। हाँ जी, अब ये बताइए कि यहां पर ये क्लियर है कि आई वन करेंट और ये आई टू करेंट मिलकर आई वन प्लस आई टू बनाएंगे? यस सर, अच्छा, करंट यहां से जब इंटर करेगी तो बल्ब पर प्लस और माइनस बनता है, यस सर, दैट मीन्स मैं यहां इंटरिंग द ब्रांच प्लस लीविंग द ब्रांच माइनस मान सकता हूं। यस सर, तो यहां मैंने प्लस मान लिया, यहां माइनस मान लिया, कोई इश्यू तो नहीं? नो चलो अच्छा, एक बात और बताओ, क्या यहां से जब आप चलोगे इस पाथ पर केवीएल अगर लगाए, एक बार चेक करते हैं, तो आई वन की डायरेक्शन दिस है, तो ऐसे आ रहा होगा आई वन, जैसे आ रहा होगा उस डायरेक्शन में यहां प्लस बनेगा और यहां माइनस। एक बार मैं इस पाथ पर केवीएल लगा देता हूं, राइट? ठीक है, डॉक्टर प्रदीप बोलो, अनम्यूट करके अपने आप अनम्यूट करो। जी यस बोलिए, अब यहां से बोलिए, यहां से हम केवीएल लगा रहे हैं, तो ओम के नियम से यहां पर ड्रॉप कितना आएगा, करंट कितनी है आई वन प्लस आई टू, रजिस्टेंस सर, कितना है आर, आर, तो बोलो आई वन प्लस आई टू इंटू आर हो जाएगा या नहीं? यस सर, अच्छा एक चीज और, मैं यहां से सभी स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर चुका हूं, ठीक है? तो कोई भी स्टूडेंट जो बोलना चाहता है, दे कैन आस्क, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि एक एक साथ सब बोलो, जो अनम्यूट करके अपने आप को बोलना चाहता है अनम्यूट करके बोल सकता है, राइट? अगर कोई डाउट आएगा तो यू कैन आस्क, अदरवाइज नहीं बोलेंगे, अपने वॉइस को फिर ऑफ कर लेंगे, ठीक है? डॉक्टर आशीष, क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो अगर किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, तो यू कैन आस्क। ये केवल इसलिए मैंने दिया है ऑप्शन कि आप लोग अगर अपने आप को अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, फाइन? ओके, हाँ, कौन है लाइन पर, कौन बोल रहा है इस समय? देखो शांत हो गए। चलो, इस पर केवीएल लगा रहे हैं हम लोग। जय हिंद यादव, हाँ बोलिए, नाम ही है जय हिंद, एक सैल्यूट तो बनता है आपको। चलिए बोलना स्टार्ट करिए, यहां से केवीएल लगा रहे हैं हम लोग, तो क्या चलते समय मैं बोल सकता हूं प्लस पहले धारा आई वन प्लस आई टू इंटू रजिस्टेंस आर, यही तो होगा वोल्टेज, क्लियर? रत्नेश, अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो, यहां से चलते समय फिर यहां आए, अब देखो यस इस आई वन करंट, इस ब्रांच की करंट क्या है, केवल आई वन, तो आई वन आई यहां से अंदर वन, जाएगी और यहां रेजिस्टेंस आर वन है, यस तो सर, क्या लिखें, यस बोलो बोलो, प्लस प्लस आई वन इंटू आर वन। R1 अब इसके बाद चलते हुए बैटरी आ गई और बैटरी का पहला चिन्ह माइनस है, क्या माइनस सर, लिखें, माइनस ई वन। यहां से चले थे आप और यहीं आकर आपने एंड कर दिया, तो बराबर जीरो हो जाएगा, इसी को तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं। अब अगर मैं इसको दैट साइड ले जाऊं, सभी वैल्यूज को उस साइड पक्षांतर कर दूं, तो चिन्ह बदल जाएंगे,
यस तो आपने अगर साइन बदल दिया, ई1 उस साइड जाकर प्लस हो गया, फिर माइनस का आई यस वन प्लस आई टू इंटू आर हो गया, फिर सर माइनस का आई वन आर वन हो गया बराबर 0। मुझे लगता है ये यस इक्वेशन, सर मुझे लगता है ये इक्वेशन मैच कर रही है क्या ऑप्शन डी से? सर डॉक्टर अमित बोलना चाहते हैं, बोलिए। डॉक्टर अमित अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। नहीं आना। हेलो। अगर हम हाँ जी, हाँ क्वार्टर जी, करें तो बोलिए। सर ऑप्शन डी राइट है सर? हाँ, ऑप्शन डी राइट हेलो। है। हाँ जी, हाँ जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक। आपका क्या आ रहा है? सर हम शाम की हमारा भी आ रहा था बी। सर। राइट है। यस। चलो बी में भी लगाकर चेक कर लेते हैं, लेकिन देखो मुझे उस पाथ पर केवीएल लगाना है। ध्यान से सुनो मेरी बात, पहले उस पाथ पर केवीएल लगाना है जिस पाथ पर ये आई वन प्लस आई टू जरूर आए, क्योंकि आई वन प्लस आई टू सब ऑप्शंस में है, राइट? लेकिन आपका मन है, मैं एक बार ऑप्शन बी को भी चेक कर लेता हूं, ठीक है? ओके, और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। नो अरे आप सभी, कोई भी अनम्यूट होकर बोल सकता है। बोल दिया किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो नो ओके, सर। अब देखिए यहां से अगर हम लोग इस पर केवीएल लगाए, मान लो देखो इस बार मैं केवीएल यहां लगाता हूं स्टूडेंट्स, अब जब मैं यहां केवीएल लगाऊंगा तो देखो इस पाथ पर, इस पर लगा रहे हैं इस बार हम लोग, एक मिनट एक यस मिनट, नहीं इससे इस पर, इस पूरे पर केवीएल, इस पूरे पर, ठीक है? तो चलना स्टार्ट करिए, कोई एक स्टूडेंट चलना स्टार्ट करेगा, कौन स्टार्ट करेगा बोलो। अमित हाँ डॉक्टर विकास आ जाओ, आंखें इतनी बड़ी मत करो यार, डर लगता है मुझको, कहीं बाहर तो नहीं निकल आओगे? हाँ बोलो, अनम्यूट करो, बोलो। यार आप लोग इतने साई नेचर के हो, मुझे लगता है क्या बोलूं मैं। घर वाले जब बात करते हो उनसे बात कर लेते हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं बिना बात करे ही फोन रख देते हो? सर हो नहीं रहा। अरे डॉक्टर विकास, 12 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूं, मुझको कहानी सुना रहे हो? साइड में ऑप्शन है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, आज देशभक्ति की बातें करते हैं। जय हिंद, कहाँ गए डॉक्टर? जय हिंद, बताइए जय जी, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ डॉक्टर जय हिंद, बोलने वाले हो नहीं? चलो परेशान मत हो, क्लास में तो पकड़ में आओगे, यहां तो माइंड ठीक है, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा, घबराओ नहीं, अभी बोल नहीं रहे हो ना। हाँ ऐसा नहीं कि क्लास में भी, अब सभी लोग को मैं म्यूट कर रहा हूं, है ना? आप लोग बीच बीच में बोल रहे हो, जिसको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा है।
चलिए सॉरी। अब देखो फाइन, अब यहां पर अगर आप इस पाथ पर केवीएल लगाते हैं स्टूडेंट्स, एक चेक करते हैं, अभी आपने इस वाले पाथ पर केवीएल लगाया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं इस पाथ पर पूरे पर केवीएल लगाऊं तो क्या एक पोजीशन बन सकती है, तब हम देख सकते हैं शुरुआत में I1 + I2 R बनेगा, और इसके बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा तो माइनस का E2 बनेगा और फिर प्लस का I2 R2 बनेगा और फिर = 0 बनेगा, राइट। देखो यहां पर ये प्लस माइनस बना, ठीक बात, इसका पहला साइन माइनस है और फिर यहां करंट I2 + I2 बनाएगी और इसके बाद पाथ कंप्लीट। तो क्या स्टूडेंट्स ये वाला जो ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, ये जो मेरे पास वैल्यू आई है क्या ये बी से मैच कर रही है? नहीं, ये बी से मैच नहीं कर रही है। ऑप्शन बी में I2 R2, देखिए I2 R2 प्लस है, ठीक बात, ये भी प्लस है, लेकिन माइनस ई टू भी ठीक है, लेकिन यहां माइनस आना चाहिए जो नहीं है। क्लियर हुआ? जिनका बी आ रहा था, क्या माइनस में I1 + I2 आ रहा है अपना? नहीं आ रहा, पहला साइन अगर लेकर चल रहे हैं हम लोग। बोलो इस पाथ पर, क्लियर हुआ? आयुष क्लियर है? आगे मुंह करें या और बताऊं? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था शायद ये। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी नीट का क्वेश्चन है। इस पर बोला गया, दिए गए परिपथ में इन द सर्किट शोन इन फिगर, दिए गए परिपथ में इन द सर्किट शोन इन फिगर, दिए गए परिपथ में यदि बिंदु ए का विभव, यदि बिंदु ए का विभव पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यदि बिंदु ए का विभव इज टेकन टू बी 0, तब बिंदु बी का विभव ज्ञात कीजिए। टेन देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज, तब बिंदु बी का विभव होगा। मैं एक बार सर्किट बना देता हूं, लिख लिया क्वेश्चन, दिए गए परिपथ में यदि बिंदु ए का विभव शून्य है तब बिंदु बी का विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन मेंस 2011 का है, शायद IIT से कॉपी कर दिया गया है।
कोई बात नहीं। अब इस फिगर को देख लीजिए। देखो यहां पर एक सर्किट पर फ्रेम आउट किया गया है, इस सर्किट पर एक रेजिस्टेंस है R2, और इस पर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन पर 1 एम्पियर की करंट लिखी हुई है। यहां एक रेजिस्टेंस R1 है, इसके बाद यहां फर्दर एक रेजिस्टेंस 2 ओम है, नीचे यहां माइनस और प्लस एक बैटरी लगाई गई है 1 वोल्ट की, और इसके बाद यहां एक प्लस माइनस 2 वोल्ट की बैटरी है, फिर यहां कोई रेजिस्टेंस बना है, और यहां करंट 2 एम्पियर लिखी हुई है। यहां भी एक जंक्शन है, यहां भी एक जंक्शन है, और यहां से आ भी रहा होगा 2 एम्पियर मुझे लगता है, और इधर लिखा हुआ है 1 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर एंड दिस इज 2 एम्पियर। और इस पॉइंट को लिखा गया है पॉइंट नंबर डी, इस पॉइंट को लिखा गया है पॉइंट नंबर सी, इस पॉइंट को लिखा गया है पॉइंट नंबर ए, इस पॉइंट को लिखा गया है पॉइंट नंबर बी, और ए बी सी डी। हाँ ठीक है, और ऑप्शंस आपको ये 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है +1 वोल्ट, ऑप्शन बी है -1 वोल्ट, ऑप्शन सी है +2 वोल्ट, ऑप्शन डी है -2 वोल्ट। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार पहले ड्रा कर लीजिए। ठीक है, हो गया कंप्लीट सबका? कर सकते हैं इजिली, कुछ है नहीं इसमें। करें स्टार्ट डॉक्टर आशीष, करो अनम्यूट करो अपने को। अनम्यूट करो अपने को, हाँ बोलो, यस सर। बोलिए बोलिए। सर इसमें प्लस पहला ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन आ रहा है, क्या लॉजिक लगा रहे हो? केवीएल लगा के पूरे पूरे सर्किट पे। हाँ पूरे सर्किट पर। कैमरे ऑन करो पहले सभी लोग।
ये लास्ट वाले की वैल्यू रहेगी ना कोई R3 या ऐसा कुछ रेजिस्टेंस नहीं कोई वैल्यू नहीं है, की। नहीं कोई वैल्यू नहीं है। चलो देखो, देखो इधर इधर देखना सब लोग। इसने कहा कि ए का पोटेंशियल ग्राउंड है, ब्राउन ए का सर्कल पोटेंशियल कितना है? जीरो। मैंने क्या किया, इस ए और इस बी को बाहर मान लिया। मैं ऑप्शंस हटा देता हूं, ठीक है? आप देखो, क्या मैं इस लाइन को अगर बाहर खींच लूं तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? आशीष, ए बाहर खींच लिया, बी बाहर खींच लिया, बोलो। अरे बी वाली ब्रांच बाहर खींच ली, ए वाली ब्रांच बाहर खींच ली, कोई फर्क तो नहीं है? डॉक्टर आशीष हट गए होगे, म्यूट अनम्यूट करो अपने को। डॉक्टर अमित आप आओ, है ना? डॉक्टर अमित अनम्यूट करो। हाँ बोलो। यस क्या इस ब्रांच को बाहर खींच लें और इसको बाहर खींच लें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता? सर, और इधर देखना, नो सर, कमाल कमाल कमाल, क्या इस पाथ पर एक केवी घूम सकते हैं या नहीं? देखो इधर यस आशीष, देखो ये इस पाथ पर घूम सकते हो या नहीं, इसकी जरूरत कहाँ है? क्या क्या सोचो, इधर इधर 1 एम्पियर जा रहा है, इधर से दो जी सर। दो एम्पियर इधर जा रहा है, 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, एक आ रहा है दो जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। पक्का है जेब में 1 रुपया और होगा, तभी तो एक और एक मिलकर दो बनेंगे। कोई इंसान 2 रुपए कब खर्च कर सकता है जब उसकी जेब में एक और एक कहीं से आया हो, राइट? तो क्या सर मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि यहां से कंफर्म होकर मैं बोल सकता हूं क्या कि यहां 1 एम्पियर रहा होगा? या यस तभी तो स्टूडेंट्स, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर ही तो 2 बना रहे होंगे, एम्पियर हो जाएगा। राइट? यस अब मुझे बताओ, मैंने अपनी तरफ से समझाने के लिए अगर मैं इस पॉइंट को वी बी मान लूं प्लस और इसको माइनस और वी बी ए मान लूं तो कोई दिक्कत है क्या? मतलब मैं बी से ए पर वोल्टेज देख रहा हूं, बोलो बोलो। इसको वी बी और इसको वी ए मान सकते हैं, वी ए बाहर खींच लिया, यस वी बी बाहर खींच। यस तो अब देखना, मैं ऐसे चल रहा हूं, पहला साइन माइनस या प्लस? माइनस इधर से चलते हुए, इधर से चलते हुए ऐसे चल रहे हैं, ऐसे माइनस ऐसे। माइनस माइनस चलिए ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं लिख देता हूं -1। फिर देखो, -1 के बाद आप ऊपर चल रहे हो, करंट नीचे आ रही है, तो प्लस या माइनस? सर, माइनस रहेगा, प्लस। देखो आप, -2। ये प्लस और ये माइनस बनाएगा डॉक्टर यस आशीष, तो -1 × 2 -2। होगा। यस सर, यस डॉक्टर अमित ध्यान दो, करंट सर, यहां से यहां आ रही है यस ना, ऊपर से नीचे, और आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। सर, डॉक्टर अमित, आप नीचे से ऊपर जा सर रहे हो, करंट ऊपर से नीचे आ रही है, माइनस होगा या नहीं? डायरेक्शन। जी, और आप सब जानते हो रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई ही तो वोल्टेज है। तो करंट कितनी है? 1। रेजिस्टेंस कितना है? 2। इसके बाद अब बताओ, यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया, फिर इधर चलो। डॉक्टर प्रदीप बताओ, +2 बैटरी का पहला साइन प्लस है या माइनस चलते हुए? बैटरी का प्लस पहला साइन प्लस प्लस, कितना लिखें? 2। टू
राइट। फिर इसके बाद चलते हुए वीबीए आ गया, खत्म। देखो यहां से चले, घबराओ नहीं, यहां से चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे ऐसे कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत? सर। आप जब यहां से ऐसे चलकर यहां कंप्लीट कर लोगे तो कोई इशू तो नहीं है। तो पाथ कंप्लीट प्लस वीबीए इक्वल टू बराबर जीरो जीरो। अब जीरो एक बात बताओ, माइनस एक एक मिनट, क्या माइनस एक माइनस दो प्लस दो प्लस वीबीए आ गया, और माइनस का तीन प्लस दो प्लस वीबीए आ गया, तो क्या वीबीए बराबर वन आ गया? और वीबीए का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी। वीबीए का मतलब क्या पोटेंशियल होता है? किसका मतलब डिफरेंस होता है? वीबी माइनस वीए। बी से एक अंतर या ए से बी का? बी से ए हाँ, बी वीबीए। ऊपर देखो, हमने बी को प्लस माना है यस और ए को माइनस माना है, तो वीबीए लिख रहे हैं। बराबर कितना आया? वन। और सर। वीए एग्जामिनर ने दिया कितना था? जीरो। तो बताओ वीबी कितना हो जाएगा? क्या वीबी बराबर वन वोल्ट हो जाएगा या नहीं? यस ऑप्शन ये राइट। है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार लिख लो, मैं इसका दूसरा मेथड ही बताता हूं। एक बार लिख लो, इसका दूसरा मेथड ही बताता हूं। अगर कंप्लीट हो गया हो तो मुझे बताना। हो गया? डॉक्टर प्रदीप आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करके बोला करो। इसके अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। स्क्रीनशॉट तो ले लिए सर, स्क्रीनशॉट क्या ले क्या? लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, सेकंड मेथड बता दीजिए। अच्छा ठीक है, डॉक्टर अमित क्लियर है? यस आशीष क्लियर है? चलो सर इसका एक दूसरा मेथड भी देखो। डॉक्टर रत्नेश समझ पाए? करो करो, अनम्यूट करो। यस डॉक्टर सर रत्नेश सही है। सही है? चलो एक बार मैं इसको फिर से बता रहा हूं, ठीक है? किसी को कोई डाउट होगा तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोल देगा, ठीक है? अभी लेकिन सब लोग म्यूट हो जाओ, जब मैं समझा रहा हूं तो केवल सुन लो। देखो इधर सुनना आराम से। मेरे पास ये जो ब्रांच है पहले वाली, इस पर एक नोड है VA, और यहां पर वोल्टेज की वैल्यू है 1 वोल्ट। इस नोड का वोल्टेज है VC, राइट? और VA बताया गया है 0 है, फाइन। तो पहले मेरी बात सुनना, अगर मैं इस VA से अगले वोल्टेज को घटा दूं तो मुझे अगला वोल्टेज मिलेगा। अगर इस नोड के वोल्टेज से इस नोड को घटा दूं, इस वोल्टेज को, तो अगला वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इससे इसका अंतर ही तो बीच वाला वोल्टेज है। मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। आप अपने बड़े भाई से 2 साल छोटे हैं। आप अपने बड़े भाई से कितने छोटे हैं? 2 साल। तो क्या अगर आपकी एज मैं बड़े भाई में घटा दूं तो पता नहीं चल जाएगा कि आप 2 साल पीछे हो, यस राइट? बस उसी काम को कर रहे हैं। इसका वोल्टेज 0 है, और 0 से इसको जब घटाएंगे तो पहला साइन क्या मिल रहा है? माइनस।
माइनस तो देखो, अगर मैं 0 माइनस ऑफ माइनस 1 करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? वीसी। क्या मिल जाएगा? वीसी। समझ में आया? देखो, VA क्वेश्चन में 0 दिया है, और 0 से अगर, 0 से अगर मैं इस माइनस 1 को घटाऊं तो ये मिल जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? तो क्या VC बराबर 1 नहीं हो गया? बोलो, क्या VC बराबर 1 हो जाएगा या नहीं? क्लियर? यस और एक बात और सोचो, इधर 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 इधर, अगर मन में कुछ उल्टा चल रहा है, एक काम करो, इस वीसी से अगर मैं इस 1 वोल्ट को घटाऊं तो भी तो ये मिल जाएगा। अरे बड़े भाई की उम्र वीसी है, इससे इसको घटा दें तो क्या इसकी उम्र नहीं पता चल जाएगी? तो हम क्या करें? देखो, वीसी से घटा रहा हूं मैं, वीसी से पहला चिन्ह क्या मिल रहा है? प्लस। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो क्या होगा? VC माइनस 1 बराबर क्या होगा? VA, और VA है कितना? 0। तो क्या पक्षांतर करने पर VC 1 नहीं मिल जाएगा? यस मिल जाएगा। इसका मतलब आप चाहे इससे इसको घटाएं पहले चिन्ह के साथ तो ये मिलेगा, इससे इसको घटाएं तो ये मिलेगा, या फिर उल्टा सोचो, इससे इसको घटाएं पहले चिन्ह के साथ तो ये मिलेगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों से वीसी कितना आएगा? 1। समझ में आया? बोलो डॉक्टर प्रसून। यस ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं ये कहता हूं अगली ब्रांच यहां पर ऐसे थी, इसको रेड कलर से बनाता हूं, देखो एक ब्रांच ये थी, बहुत आराम से सुनना, और इस नोड की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी VD, और इस नोड का वोल्टेज है VC, और ऊपर से करंट आ रही है 1 एम्पियर, और बीच में रेजिस्टेंस है 2 ओम, राइट? तो रत्नेश थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट करो, बस 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा सब। रत्नेश मुझे ये बताओ कि जैसे नो यहां से करंट नीचे जा रही है तो यहां प्लस बनेगा, यहां माइनस बनेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? तो सर करंट जहां से अंदर जाती है प्लस, बाहर जाती है माइनस, तो क्या मैं बोल सकता माइनस हूं कि यहां बनने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 2 गुणे 1 2 वोल्ट होगा? सर अच्छा, थोड़ी देर पहले अपन ने VC निकाला है, और VC का मान कितना आया था? 1। ठीक, तो अब ये बताओ, अगर मैं इस VD से इस 2 वोल्ट को घटा दूं तो क्या VC नहीं मिल जाएगा? इस जाएगा वोल्टेज से इस वोल्टेज को घटा दें तो अगला वोल्टेज नहीं मिल जाएगा? तो जाएगा बोलो, सर VD माइनस 2, एक मिनट, मैं कह सकता हूं VD माइनस 2 बराबर VC, और VD बराबर VC प्लस 2 हो जाएगा, और VC था कितना? 1। तो कितना आ गया? 3 वोल्ट। एक बार बताओ, कोई दिक्कत हो? यस डॉक्टर रत्नेश क्लियर है? प्रसून आपको भी क्लियर है? सर यस देखो, इसीलिए मैं जो है म्यूट की परमिशन नहीं खोलता, सब राजा हो सर जाते। डिस्टर्ब कर रहे हैं। हेलो, चलो डॉक्टर आशीष अनम्यूट करो अपने को। हाँ, आप ठीक है? क्या ये मेथड समझ पा रहे हो आशीष साहब? जी सर इससे इसको घटाएं तो अगला ये वोल्टेज मिलेगा। यस अच्छा, उल्टा कर दें, इस 1 से इसको घटाएं तो
तो वीडी मिलेगा। लेकिन पहले चिन्ह का ध्यान रखो किससे किसको घटा रहे हो। क्लियर? तो 1 माइनस 2 बोलो। 1 प्लस। यस सर, सही है। तब आप ऐसा करोगे, देखो इधर, इस वन से घटाओगे तो पहला चिन्ह माइनस है, तब माइनस लिखोगे 1 माइनस ऑफ -2 बराबर वीडी, ये जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। तब भी वीडी 3 ही आएगा। यस सर। कोई समस्या? नो। अच्छा, अब ये बताओ, मेरे पास लास्ट ब्रांच अगर मैं बनाऊं, वी ये 2 वोल्ट है, ये वीडी है और ये वीबी है, और वीबी पूछा गया था, वीडी जी सर, कितना है स्टूडेंट? 3 वोल्ट। बोलो, यस सर, बीडी 3 आज का ऑलरेडी निकाल लिया है। है ना? तो क्या वीडी से अगर इस 2 को घटा दें तो वीबी नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। डॉक्टर सचिन, अनम्यूट हो, जल्दी बोलो। यस सर। डॉक्टर आयुष, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इस 3 से 2 को घटा देंगे तो वीबी आ जाएगा। यस सर, थ्री जी माइनस सर। फोर इक्वल टू 1। दैट मीन्स क्या मैं वीडी ऐसे बोल दूं आपसे, वीडी -2 बराबर वीबी, और वीडी था 3, तो 3 -2 बराबर वीबी, तो वीबी बराबर 1 वोल्ट। बोलो। जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेथड भी कोई टफ मेथड नहीं है, आसान है। बोलो। यस सर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, शुरुआत से यहां से मैंने किया है। हाँ, कहां से किया था? यहां से। ये नोट से घटाने वाला मेथड है। एक बार इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो। ले चुके? यस फिर अगला ले लो। ओके। क्लियर सबको? फाइन। एक बार मैं सभी को म्यूट, आप लोग ओपन कर सकते हो। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें? अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, जो अनम्यूट करना चाहें अब बोले। इसमें कोई इशू तो नहीं है अब? सर, जब आपने पहले हमसे पूछा था तो मैं डायरेक्ट नीचे वाली ब्रांच पे लगा दिया था, वहां से भी ऑप्शन आ गया, आंसर आ गया था, और हमने वही आपको बताया था। नीचे वाली ब्रांच वाला मुझको भी समझा दो, मैं भी जानना चाहता हूं। हाँ, ए पॉइंट से चलेंगे और नीचे नीचे डायरेक्ट बी पे पहुंच गए, क्योंकि ए को तो हमने ग्राउंड मान लिया, इधर फिर इधर वहां। इधर सुनो, ये ग्राउंड था, जी सर, इधर से चले इधर चले गए। बस। हाँ ऐसे यहां रेजिस्टेंस आपको भगवान ने कैसे बताया, मुझको तो नहीं पता चल रहा। मैं वही समझ, आर लगा अरे कहां से आर लगा दिया? जब यहाँ क्वेश्चन में ये पे। रेजिस्टेंस दिया नहीं है तो अपनी तरफ से क्या मान लिया आपने? कालीन भैया हो आप मिर्जापुर के, जो मानोगे मान लिया जाएगा। बोलो। आंसर नहीं आएगा सर। नहीं, अरे इन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी मान लिया, वो तो बैठाने वाली बात है, आंसर लाने वाली बात नहीं है। वो तो बैठा के कुछ भी निकाल लोगे। वो तो जैसे अगर मुझे आंसर पता हो कि ये लाना है तो मैं ले ही आऊंगा, वो वाला खेल है। ओनली दिस इज दोनों द पाथ। क्लियर? बैटरी से होके जानी चाहिए ना सर। नहीं, दोनों बैटरी से होके नहीं जानी चाहिए। इसका लॉजिक ये था कि मुझे यहां पर वोल्टेज पता है, यहां वोल्टेज पता है, यहां वोल्टेज पता है, तो मैं इसको और इसको लिंक कर पाऊंगा, इसको और इसको लिंक कर सकता हूं, इस नोड का वोल्टेज निकाल सकता हूं, लेकिन इसका कैसे निकालूंगा? क्या यहां का ड्रॉप पता है? नहीं, तो फिर यही पूछा सर कि यहाँ पे रहेगा या नहीं, तो आपने नहीं कहा नहीं कि कैन यहाँ रहेगा नहीं। नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ओके हाँ, उसने रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है। सर, तो ये रेशन होगा फिर, तो एक तरीके से सर लाइन नहीं, ही हो गई। अगर यहां पर रेजिस्टेंस मेंशन होता तो फिर इस पाथ हाँ में भी लगा सकते थे। हाँ तब आंसर आ तब मिल जाता। हाँ, तब मिल जाता। ओके ठीक है। जी।
क्लियर है? हाँ, यस ये मतलब नीट का पुराना क्वेश्चन है, अब किस ईयर का मुझे याद नहीं है, लिखा हुआ किताब में। तो ये ऐसे लगना है, सर। ओके ठीक सर। है? और मेरी आदत रहती है, मैं ऐसे केवीएल लगा देता हूं, लेकिन अगर आप लोग केवीएल से ना समझ पाओ तो आप इससे इसको घटा लिया करो तो ये मिल जाएगा, फिर इससे ये घटा लो तो ये मिल जाएगा, फिर इससे ये घटा लो तो ये मिल जाएगा। सर इससे 3 बार में अलग अलग निकालना पड़े, इससे था डायरेक्ट वही निकाल ले पूरा पूरा। अब वो तो देखो घुमा फिराकर कान पकड़ने वाली बात है ना। कई स्टूडेंट ऐसे जी समझने में टाइम सोचते हैं कि पता नहीं क्या कर दिया सर ने, राइट? तो लोग ऐसे ऐसे चलते हैं कि सर पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। मैं ऐसे लगा देता हूं, यही वाला ये सर मेथड सही सही है, पहला वाला ज्यादा है, ये मेथड ठीक सही है। नहीं, वो तो अब अपने आप ठीक लगने लगेगा दूसरा समझने के बाद, ठीक है? सर। चलो ओके, ठीक है, आज की क्लास फिर माइंड अप करते हैं, मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? अगर किसी क्लास मिस हो गई तो देख लेना, और कल मैं कोशिश करूंगा, कल भी एक क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा आपकी, ठीक है? और अब थोड़ा कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करूंगा मैं, बीच में भी थोड़ा मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी, इवनिंग का स्लॉट भी बिजी चल रहा था, कोशिश करूंगा मैं अब आप लोगों की क्लास लगातार लेता रहूं, ठीक है? यस ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू सर, ओके, बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन, गुड थैंक यू सर, थैंक यू सर, नाइट, गुड नाइट एवरीबडी, यू ऑल कैन गुड लीव द नाइट मीटिंग, सर, गुड नाइट गुड सर, नाइट, गुड गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट, नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबडी। गाना गाई ना।